नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रूपल व्यास। फीफा वर्ल्ड कप के चलते कतर इन दिनों पूरी दुनिया में लोगों के लिए हॉट टॉपिक बना हुआ। दुनिया भर में फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा हो रही है और वही विश्व भर से फुटबॉल के फैन फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए पहुंच रहे। ऐसे में अब एक और मामला सामने आया है और कहा जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप पर अब खतरा बन रहा है, जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने समर्पित विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है, जो वैश्विक आबादी को आकर्षित करता है। और यही नहीं, कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स, कैमल फ्लू जैसे संक्रमणों को भी आकर्षित कर रहा है। बता दें कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप पर कैमल फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। जर्नल न्यू माइक्रोब्स एंड न्यू इन्फेक्शन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने पाया कि कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसक आ रहे हैं और ऐसे में लोगों की भारी भीड़ खिलाड़ियों, प्रशंसकों और स्थानीय लोगों के लिए संक्रामक बीमारी का जोखिम बन सकता है। वहीं WHO ने कैमल फ्लू को उन वायरसों में से एक के रूप में चिन्हित किया है जो भविष्य में महामारी का कारण बन सकता है। और ये महामारी COVID-19 महामारी के बाद सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में से एक हो सकती है। कतर की यात्रा के लिए विश्व भर से प्रशंसक आ रहे हैं और उन प्रशंसकों को पहले ही सलाह दी गई थी कि वो ऊँटों के छूने से बचे, जिन्हें घातक संक्रमण का स्रोत माना जाता है। UK स्थित विज्ञान वेबसाइट IFL साइंस के लेख में ये लिखा है कि कैमल फ्लू को पहले बार 2012 में सऊदी अरब में रिपोर्ट किया गया था, जो कतर की सीमा से लगा हुआ है, और तब से 27 अलग अलग देशों में 935 संबंधित मौतों के साथ 2600 मामले सामने आए। यही नहीं, हम सभी जानते हैं कि कैसे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट सामने भी आई, हालांकि चीन हर बार उसे नकारता रहा। और वहीं ऐसे एक फेस्टिवल का आयोजन करना और उसमें लोगों की भीड़ का उमड़ना कोरोना वायरस को बढ़ने का संकेत दे रहा था। अब ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप से ऐसा मामला सामने आना फिर एक बार बहुत बड़े खतरे का संकेत बन रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।